तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम कुछ लिनक्स की बेसिक कमांड्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने टर्मिनल पे। आपका कोई भी जो लिनक्स सिस्टम है उसके अंदर एक ये ब्लैक स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा होगा, दैट इज टर्मिनल। आपको इसको ओपन करना है। इसको CLI भी बोलते हैं हम लोग, कमांड लाइन। एंड जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे, यहाँ पे ये हमारा प्रॉम्प्ट है। अगर हमारे सिस्टम के अंदर प्रॉम्प्ट नहीं होगा तो हमारी जो कमांड है वो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगी, इसलिए प्रॉम्प्ट आपको हमेशा मिलेगा आपके सिस्टम पे। एंड उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपनी बेसिक कमांड्स के साथ। तो जो सबसे पहली कमांड है वो है डेट कमांड। जैसे ही आप डेट लेके एंटर करेंगे तो वो आपको आपकी जो करंट डेट टाइमिंग है वो सारी चीज़ें आपको बता देगा। अभी नेक्स्ट थिंग हम लोग देखते हैं। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट कमांड है, दैट इज PWD, का मतलब है प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी मतलब जो भी डायरेक्टरी जिसके ऊपर हम करंटली काम कर रहे हैं उसको हम बोलेंगे वर्किंग डायरेक्टरी हमारी। जैसे अभी हम लोग हैं होम के अंदर काली फोल्डर के अंदर। डायरेक्टरी का मतलब होता है फोल्डर। तो यहाँ पे जो हमारा फोल्डर है दैट इज होम फोल्डर, और होम फोल्डर के अंदर हम है काली के अंदर। तो अभी हम एक बार जाके चेक करते हैं। फाइल मैनेजर में जाएंगे हम। यहाँ पे हमको जाना है होम एंड देन काली, ओपन टर्मिनल हियर। जैसे ही आप इसको यहाँ पे हमने टर्मिनल ओपन किया, यहाँ पे हम PWD लगा के देते हैं। तो यहाँ से हमने जब फोल्डर को ओपन किया तब भी हम सेम जगह पे हैं, और जो हमने पहले टर्मिनल ओपन कर रखा था उसके अंदर से हमने जब पाथ को चेक किया था तब भी हम सेम जगह पर ही थे। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट कमांड पे चलते हैं, दैट इज़ ls। ls का मतलब होता है लिस्ट। लिस्ट यहाँ पे लिस्ट क्या करेगा कि जहाँ पे जिस करंट डायरेक्टरी पे हम लोग हैं वहाँ पे कौन कौन सी फाइल्स हैं, कौन कौन से फोल्डर्स हैं, उन सभी की जो फोल्डर्स यहाँ पे हैं उन सभी की एक लिस्ट आपको देगा ये। अभी अगर हम यहाँ पे देखें, जैसे हमने देखा था जब हमने काली को ओपन किया तो उसके अंदर कुछ फोल्डर्स थे, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट, म्यूजिक एंड ऑल। तो ये सेम चीज़ें हमारे पास अपने टर्मिनल के ऊपर शो हो रही हैं। आई होप आपको ls कमांड हो गया होगा क्लियर। एंड उसके बाद हम चलते हैं अपने टर्मिनल को, हम पहले क्लियर करते हैं। क्लियर करने के लिए हमारे पास कमांड है क्लियर। जैसे ही आपका आपको लगे कि आपका टर्मिनल थोड़ा मैसी सा हो रहा है तो उस टाइम पे आप इस कमांड का यूज करके अपने प्रॉम्प्ट क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट कमांड है हमारे पास, अभी यहाँ पे जैसे ls और PWD यहाँ पे क्या है, ये दोनों ना बेसिक हमारे पास कुछ टूल्स होते हैं जिनका यूज़ करके हम अपनी कमांड्स को एग्जीक्यूट करवाते हैं। अभी इन्हीं में अगर आपको कुछ और भी चीज़ें जाननी है, जैसे ls और क्या क्या कर सकता है, अगर आपको वो चीज़ें देखनी है तो उसके लिए आपको करना है ls-help। जैसे ही आप ये प्रेस करेंगे यहाँ पे, ये आपको और जितनी भी ls के थ्रू कमांड्स हम रन कर सकते हैं वो सारी यहाँ पे शो हो जाएंगी। यहाँ पे ये दिखा रहा है कि ls के साथ अगर हम -all करेंगे तो उसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी फाइल्स हैं वो सारी आपको विजिबल होंगी। जैसे अभी हम ट्राई करते हैं, अभी ये आप यहाँ पे देख सकते हो, इसके अंदर अगर कोई हिडन फाइल भी थी उस टाइम पे तो वो भी जब आप all करके लिखेंगे तो वो सारी फाइल्स यहाँ पे शो हो जाएंगी आपको। पहले हम लोगों ने जब देखा था, अभी ls करते हैं यहाँ पे, आप इन दोनों में डिफरेंस देखिए। यहाँ पे कितनी सारी फाइल्स हमारे पास एक्स्ट्रा हैं। इवन यहाँ पे वो फाइल्स हमें शो नहीं हो रही जबकि हम कमांड सेम चला रहे हैं, ls की कमांड चला रहे हैं, बट इस केस में हमने यहाँ पे ls-all चलाया, विच मीन्स कि हमें जितनी भी फाइल्स हैं वो सब देखनी है, इवन वो हिडन है या फिर विजिबल है, हर एक फाइल हमें दिखनी चाहिए। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम दूसरी कमांड देखते हैं यहाँ से कोई, अभी इसको हम शॉर्ट करके देखते हैं फाइल्स को, फाइल नेम से ls-reverse। अभी इसने क्या किया कि इसका जो जैसे अल्फाबेटिक ऑर्डर था, उस अल्फाबेटिक ऑर्डर में इसने सबसे पहले जेड को लिया एंड देन z-a की तरफ जा रहा है ये। तो अभी हम ls-all-reverse करते हैं, तो देखते हैं क्या आ रहा है। जैसे ही आपने ls-all-reverse किया तो ये भी सेम ऑर्डर हमारे पास दिखा रहा है, जैसे कि जो पहले हमारे पास ऑर्डर था उसका रिवर्स करके दिखा रहे हैं। यहाँ पे हम अपने टर्मिनल को करते हैं क्लियर। इसके बाद इस वीडियो के लिए हम सिर्फ ये दो ही कमांड देख रहे हैं, बाकी की कमांड अगली वीडियो में देखेंगे। और उससे पहले, वीडियो ख़त्म करने से पहले, कुछ थोड़ी सी बेसिक चीज़ें और हैं वो और बता देती हूँ मैं आपको, कि अगर आपको अपने प्रॉम्प्ट का साइज़ इंक्रीज़ करना है तो वो आप कैसे करेंगे। वो आप जब आपका प्रॉम्प्ट का साइज़ इंक्रीज़ करना है, कि जो आपके फ़ॉन्ट का साइज़ है वो आपको थोड़ा सा बड़ा चाहिए या फिर थोड़ा सा छोटा चाहिए, वो चीज़ करने के लिए आपको प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट प्लस। जब आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्रेस करेंगे तो वो
साइज इंक्रीज हो जाएगा। जब आप कंट्रोल और माइनस प्रेस करेंगे तो साइज आपका डिक्रीज हो जाएगा। जब हमको साइज इंक्रीज करना है तो हमें कंट्रोल सिर्फ प्लस दबाना पड़ेगा। अगर आप कंट्रोल और प्लस दबाएंगे तो वो कमांड काम नहीं करेगी, लेकिन जब आप कंट्रोल माइनस दबाएंगे तो वो काम करेगा ओनली। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि साइज इंक्रीज करते टाइम हमें शिफ्ट भी साथ में दबाना है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है। उसके बाद जो अगली हमारी वीडियो होगी उसके अंदर हम कुछ और कमांड देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।